बिजली गिरी। हरी साहब के दिल में जागे है राम। जीत गया है गोकुलधाम। दर्शकों, ये है गोकुलधाम सोसाइटी में और इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा हर्ष और उल्लास का माहौल है। लेकिन आज ना कोई त्योहार है और ना ही इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीत कर लाई है। सचमुच आज ये जो सब कुछ है जैसे मानो अधर्म पर धर्म की जीत का जश्न है। तो आइए अब हम चल के उनसे कुछ बातें करते हैं। चेटा जी, चेटा जी, इस पूरे मिशन के पीछे, इस पूरे गांधीगिरी के पीछे आपका ही हाथ है। आप सबसे मुख्य व्यक्ति है, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, सब पप्पू जी के आशीर्वाद है। उन्होंने हमको बोला कि गांधीगिरी करो, हमने गांधीगिरी कर दी। मतलब गांधी जी बापू जी आए थे आपसे खुद कहने के लिए कि गांधीगिरी करो? नहीं नहीं, गांधी बापू कैसे आएंगे, मेरे बापू जी, मेरे पिताजी। एक मिनट, इधर इधर मेरे पिताजी, चंपक लाल जी, जयंतीलाल जी, गड्ढा जी, इन्होंने हमको मार्ग दिखाया, हमें प्रेरणा दी और उसी राह पे हम सब मिल के निकल पड़े और हम सब ने इस सत्य की लड़ाई को हमारे जीवन का मकसद बना लिया। और देखते ही देखते असत्य के सामने सत्य की जीत हुई, खरे सबका हृदय परिवर्तन हो गया। चाचा जी, अब मेरा सवाल आपसे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे महाभारत के युद्ध में, ठीक उसी प्रकार से आप गोकुलधाम सोसाइटी के सारथी बने। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने गोकुलधाम के निवासियों को गांधीगिरी का मार्ग ही क्यों बताया? नहीं, वो उसमें क्या है कि आज चारों ओर भ्रष्टाचार का माहौल है, उसमें बेचारा एक आदमी क्या कर सकता है, और हम हथियार तो उठा नहीं सकते और हमें हथियार उठाने भी नहीं चाहिए। और ऐसे में सिर्फ गांधी जी के विचार ही है जो हमें अंधेरे से उजाले तक ले जा सकते हैं। क्या बात है यार। दे भाभी, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, बस हमने शर्म को हमारा हथियार बनाया। मतलब किसी भी व्यक्ति को उनकी गलती का एहसास दिलाता है तो उनको शर्म महसूस होती है, शर्म आती है, बहुत ही शर्म आती है। और हमने हरे साहब को उनकी गलती का एहसास दिलाया, बस हमारा काम हो गया। आइए अब जानते हैं कि गोकुलधाम की बाकी महिला मंडल का इस आंदोलन के बारे में क्या कहना है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें अन्याय के सामने कभी भी झुकना नहीं चाहिए, बस। अगर हम झुक गए तो अन्याय होता ही रहेगा। ये जीत है, सच्चाई की जीत। हमारी प्रगति महिला मंडल अब से हर एक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। मेरे सर, आप तो खुद एक शिक्षक हैं, तो इस आंदोलन की जीत से आपको तो बहुत खुशी हुई होगी। बहुत खुशी हुई है मुझे, और खुशी इस बात की है जो शिक्षण के क्षेत्र में करप्शन हो रहा था वो कुछ हद तक कम हुआ। बस मेरी यही प्रार्थना है कि माता सरस्वती की कृपा हम पर बनी रहे और ये जो करप्शन है वो जड़ से खत्म। तो देखा आप लोगों ने कि गोकुलधाम सोसाइटी के सभी लोग कितने खुश हैं। आइए अब जानते हैं कि इन युवाओं पर क्या असर हुआ है इस आंदोलन का। पहले मुझे लगता था कि दुनिया में से बुरे लोग ही जीतते हैं, लेकिन अब पता चला कि सब सच्चाई की जीत होती है। आई लव गांधीगिरी। गोकुलधाम निवासी जेठालाल जी और उनके पिताजी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें नई राह दी है, नई उम्मीद दी है। अब हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला कल अच्छा ही होगा। जय गांधीगिरी, जय हिंद। तो ये था गोकुलधाम सोसाइटी की गांधीगिरी का असर स्टूडेंट्स पर। अब हम बात करते हैं टप्पू से। टप्पू, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? रीटा दीदी, पहले हम सब बहुत निराश हो गए थे कि आज के जमाने में झूठ की जीत होती है, लेकिन अब हम सबके अंदर उम्मीद जगी है। अब हम अन्याय को देखकर चुप नहीं रहेंगे, आवाज उठाएंगे। बहुत अच्छी बात। तो ये थी गोकुलधाम सोसाइटी की जीत, क्योंकि उन्होंने अपनाया था गांधीगिरी का रास्ता। अब हम बात करते हैं हमारी गरबा क्वीन दया भाभी से और कुछ खास डिमांड करते हैं उनसे। दया भाभी, आप अपनी खुशी का इजहार हमेशा गरबा के साथ करती हैं, तो क्यों ना आज की खुशी का इजहार भी गरबा के साथ हो जाए? हाँ, आज तो मैं गरबा खेलूंगी भी और गाऊंगी भी। तो हो जाए। क्या क्या
बापूजी, अभी हमने आज से माँ का फोन था, उसने हमारी गांधीगिरी के बारे में टीवी में लियो देखा और आज के अहमदाबाद के अखबार में भी गांधीगिरी के बारे में छपा है। हाँ बहू, आज के हर अखबार में हमारी गांधीगिरी के बारे में छपा है। लिखा है कि गोकुलधाम की गांधीगिरी ने खरे के खोटे दिल में सच्चाई जगा दी। ऐसी है, तू सुनेगी तो तू भी खुशी के हमारा नाचने लगेगी। अरे तो जल्दी बोल जेठिया, क्या हुआ? पापू जी, टप्पू को एम के गांधी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। बिना डोनेशन। खरे ने अपनी बात खरी की, टप्पू को उसकी मेरिट पे एडमिशन मिला है। जेठिया, ये तो तू बहुत अच्छी खबर लेकर आया है। और हमेशा की तरह साथ रहेगी। हाँ, और मंडे से कॉलेज शुरू। ये तो वाकई खुशी की बात है। अरे टप्पू के पापा, एक और खुशी की बात है, ये सुनकर आप तो खुशी से नाचने लगेंगे। मैंने आपका नया नाम रखा है। अच्छा 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 अच्छा, देखो टप्पू, एक मिनट जेठालाल, क्या नया नाम रखा है वो तो सुन ले। क्या 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 रखा है? हाँ, लाठी। लाठी? नहीं नहीं, लाठी नहीं, गाठी होगा। गाठी? गाठी? हाँ, वो होता ना भावनगरी गाठी। अरे ते गाठी नसते भाई, ते गाठिया असते। नहीं नहीं, आमच्या मराठी मध्ये आम्ही भावनगरी पापडी गाठी असं म्हणतो ना, तत्ले गाठी। नहीं 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 भिडे भाई, मैंने गाठी नहीं लाठी बोला है। गांधी बापू की लाठी जो खरे साहब की झूठ पर ऐसी चली कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो सच बोलने के लिए मजबूर हो गए। वाह वाह वाह, नाम अच्छा है लाठी। हाँ, चांगला नाम ठेवला है। गांधी जी की गोल मटोल लाठी। टप्पू से ना अभी सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तुम लोग बड़े हो गए हो, कॉलेज जाने वाले हो, तो जरा समझदारी दिखाना। जैसे पहले शरारत करते थे वैसे शरारत मत करना अभी। हाँ नहीं नहीं बेटा अंकल, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। स्कूल में तो हम बच्चे थे, अब तो हम कॉलेज में आ गए, बड़े हो गए, अब तो हम बड़ी बड़ी शरारतें करेंगे। अरे बेटा, तो कॉलेज मंडे को चालू होगा, तब तक तो मस्ती करने दीजिए ना। चलो फ्रेंड्स, लेट्स डू सम धम्मा। चलो मैं भी चलता हूँ। धमाल करा ला? अरे नहीं नहीं, अपने कमरे में आराम कर ले। बापू जी गए। कहाँ से गए? यहाँ से। कभी? अभी थोड़ी देर पहले। जेठालाल तुम चल बेटा, ये टप्पू के एडमिशन को लेकर जो टेंशन था आज अभी पूरा हुआ, तो मैं भी अभी आराम करने जा रहा हूँ। हाँ आराम करो। तो तुझे नहीं जाना आराम करने? अरे माझ्या नशिबात कसला आला आराम, ये खरे के टेंशन में अचार बाबड़ की डिलीवरी रह गई है, सोसाइटी के काफी सारे काम पेंडिंग है। तो ठीक है, तू यहाँ बैठ के अपने सब काम निपटा, मैं चला आराम करने। जेठालाल, अभी यहाँ पे बैठ के कैसे काम कर सकता हूँ मैं? तो भाई तू निकल ही नहीं रहा था, फिर क्या अभी मतलब? हाँ नहीं, मैं निकल ही रहा था, चलो चलता हूँ। स्कूल ही नहीं जाऊंगा। दरअसल मेरा गोगी पुत्र कह रहा है कि वो अकेला पड़ गया, तब उस दिन अब कॉलेज जाएगी तो वो स्कूल नहीं जाके उनके साथ कॉलेज ही जाएगा। अरे तो सोड़ी, गोगी को प्यार से समझाओ, ऐसे डायरेक्ट कॉलेज में नहीं जा सकते, पहले एसएससी पूरी करनी पड़ती है। तो मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया पर वो समझने को तैयार ही नहीं हो रहा। पर स्टूडेंट तो तेरा है ना यार। कैसे? मतलब मेरा पुत्र है ना, मेरे पे गया है, तो ऐसे कैसे आसानी से बात समझ जाएगा? तो अभी तेरा पापी जी, वही तो प्रॉब्लम है, पता नहीं कल उसे स्कूल कैसे भेजूं। नहीं पापा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा पापा, नहीं पापा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा पापा। हाँ मेरा गोगी पुत्र, मेरा नन्ना मुन्ना राजकुमार, मेरा प्यारा पुत्र, मेरा शेर पुत्र, वो मान जाए यार, आज पहला दिन है स्कूल जाने का और ये बात अच्छी नहीं है। नहीं पापा, मैं अपने दोस्तों के बगैर अकेला स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अरे गोगी पुत्र,
तेरी मम्मी भी घर पे नहीं है, इस बात का फायदा मैं उठा। मान जा मेरा बेटा, मान जा मेरी बात, मान जा यार। अरे मान भाई, क्या हो रही है? अरे अब्दुल देखना, कब से समझा रहा हूँ स्कूल जाने के लिए, लेकिन सुनिए ना मेरी बात। अरे देख के ना पकड़ इसको, अरे पीड़ू के घर की तरफ क्यों जा रहा है? कोगी मतलब, अरे सोनू चांद लौकर आली आली बाबा आ गया। हाँ गरबा गरम चाय। एक बीड़ी बीड़ी काय चालले सुडी नको विचारू। ओ पहले इसको समझा कोगी, क्या समझाना क्या है? ओए ये जिद पकड़ के बैठ गया है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो उसका शिक्षा करा समझा इसको। अच्छा कोगी पुत्र, तुम्हें स्कूल क्यों नहीं जाना है? पूरी टप्पू से ना कॉलेज में जाएगी और मैं अकेले स्कूल में जाऊंगा। नहीं मैं अकेले स्कूल में नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। अरे ये अरे क्या कर रहे हो? पकड़ उसको। अरे अरे गोगी पुत्र, अरे यार रुक, अरे भाई अब्दुल क्या कर के रहे यार? अरे गोगी पुत्र, बारिश बहुत है, क्या कर रहे यार? अरे क्या हुआ भाई, क्यों भागदौड़ मचा रखी है? अरे मेहता साहब आज पहले दिन ही इसको स्कूल नहीं जाना है, ये कह रहा है टप्पू सोनू और गोली के बगैर ये स्कूल ही नहीं जाएगा। अच्छा ये बात है, पर तो सोड़ी भाई आप इतनी भागा दौड़ी क्यों कर रहे हैं? रोशन भाभी कहाँ है? और रोशन माई डार्लिंग अपनी मम्मी के घर गई है जी, मेरी सासू माँ के घर। तभी टप्पू गोली सोनू मस्त खेल रहे, मजे कर रहे, और मैं अकेला स्कूल जा रहा हूँ। नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बेटा सोनू गोली टप्पू का भी कॉलेज शुरू नहीं हुआ, इसलिए वो मस्ती कर सकते हैं। तुम स्कूल में हो, तुम्हारा स्कूल शुरू हो गया, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं स्कूल में हूँ ये कह के मुझे सब अकेला कर देते हैं। गोगी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है पापा, एक बात बताओ। पूछो पुत्र जी। गड्डी में चार व्हील होते हैं ना? हाँ बिल्कुल, चार व्हील ही होते हैं जी। तो कभी ऐसा होता है तीन व्हील एक तरफ और एक व्हील एक तरफ? वो ऐसा कैसे होता है यार? तो मैं भी वही कह रहा हूँ, टप्पू सोनू गोली मैं सब चार व्हील है, वो लोग तीनों कॉलेज में जाए और मैं अकेले स्कूल में जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेहता साहब, अंजलि भाभी, अभी मेरे गोगी पुत्र को आप लोग ही समझाइए ना प्लीज। एक मिनट गोगी, देखो बाबू समझने की कोशिश करो, अभी ना तुम स्कूल में हो। मैं स्कूल में हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब पापा की गलती है। मेरी गलती क्यों? मैं क्या किया यार? पापा आपने मेरा एडमिशन एक साल पहले करवाया होता तो आज मैं भी टप्पू सोनू और गोली के साथ कॉलेज में होता ना। और सबसे बड़ी गलती स्कूल वालों की है, उन्होंने मुझे ही एक क्लास पीछे एडमिशन क्यों दिया? गलत तो तेरी सही है, और मैं बात करूंगा स्कूल वालों से। क्या बात कर रहा है तू भाई? मैं बात करूंगा स्कूल से? नहीं 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 गोगी, देखो समझने की कोशिश करो, तुम टप्पू गोली और सोनू से एक साल छोटे हो, एक साल छोटे हो तो एक क्लास पीछे ही रहोगे। हाँ गोगी देखो, बात समझने की कोशिश करो, तुम ना अभी बच्चे नहीं रहे, अब तुम भी बड़े हो गए हो। बच्चों जैसा बिहेव करोगे ना तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा, टप्पू सोनू गोली कोई नहीं। और दूसरी बात कि जब बच्चे बड़े हो जाते ना तो बच्चे जैसी हरकत करते अच्छे नहीं लगते। तो पुत्र एक ही साल का तो सवाल है यार। और हाँ बेटा ये एक साल बहुत इम्पोर्टेंट है, अगले साल अगर तुम्हें एमके गांधी कॉलेज में जाना है तो इस साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे नंबर लाने होंगे, तो अगले साल तुम सोनू गोली टप्पू के साथ कॉलेज में जाओगे। हाँ गोगी मेहता अंकल एकदम सही बात कह रहे हैं। और फिर तो टप्पू सोनू और गोली के साथ एमके कॉलेज जा नहीं पाएगा। ओए पापा जी, ये बात तो सही है। तो फिर गल्ला क्यों मार रहा है? और स्कूल जाने के लिए देर हो रही है पुत्र। हाँ मेरे क्लास मिस ना हो जाए। अरे गोगी पुत्र रुक यार। यार भाई मुश्किल से तो जा रहा है, क्यों रोक रहा है? ओ मेहता साहब ये यूनिफॉर्म पहन के मैं गैराज जाऊंगा? उत्तरी वो तो मैं भूल ही गया। ला पापा लाओ। ला पुत्र। गोगी एक मिनट, घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, रूम में जाओ कपड़े चेंज करो और फटाफट स्कूल जाओ। बेटर बेटर।
ठीक है। चलो मैं भी गड्डी निकालता हूँ। मेहता साहब थैंक यू सो मच। हाँ जी भाभी थैंक यू सो मच। देश का अर्थतंत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। वाह बढ़ने दो बढ़ने दो। इस साल अच्छी बारिश से होगी अच्छी फसल। वाह बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग तरक्की की राह पर। निजी व्यापारियों को होगा फायदा। वाह 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 आज तो बहुत बढ़िया खबरें छपी है। वाह 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 मजा आ गया। बहुत खुश लग रहे हो। अरे बेटा जीवन में शांति शांति हो गई है तो खुशी तो होगी ना। पर सबसे खुशी की बात तो यह है कि तुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वो तो है पापा। अच्छा मंडे से मेरी कॉलेज शुरू हो रही है तो मुझे मम्मी के साथ कॉलेज के लिए नए कपड़े लेने जाना है। अरे बेटा बिल्कुल फिक्र मत कर। बड़ा खानदान का चश्मो चिराग कॉलेज जा रहा है। मैंने सब सोच कर रखा है। तेरा वट पड़ेगा वट कॉलेज में देखना। थैंक यू पापा। थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा। बाय 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 बाय। अरे चाय का क्या हुआ दया? अरे भाई चाय तो ला। क्या हुआ? ये चाय कैसे पीऊं मैं? सॉरी सॉरी पीजिए गर्म गर्म मसाले वाली चाय पीजिए पीजिए। कितने दिनों के बाद ऐसे शांति से बैठ के चाय पी रहा हूँ। हर क्रांति के बाद शांति। गोकुलधाम में इस वक्त शांति। लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि गोकुलधाम की शांति तूफान से पहले की शांति होती है। इस वक्त यहाँ शांति जरूर है लेकिन हमारा तो शांति के साथ 36 का आंकड़ा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई ना कोई मुसीबत जरूर आएगी। हम जैसे ही सोचते हैं कि चैन से आराम करेंगे कोई गड़बड़ हो ही जाती है। मुसीबत आ ही जाती है। टप्पू सेना के एडमिशन का घमासान समाप्त हो चुका है लेकिन हम जानते हैं कि आज ही शांति की एक्सपायरी डेट है। कोई मुसीबत आने वाली है। क्या होगी मुसीबत? अब छोड़िए ना, जो भी मुसीबत आए आपके घरों में तो ठहाके आएंगे। अब क्या नई मुसीबत होगी, कैसे शांति भंग होगी, मिलके हम देखेंगे और लगाएंगे ठहाके। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.